नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जीडीएस का सबसे भरोसेमंद चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुफ्त में सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करते ही आपको सारी अपडेट्स, वीडियो की जितने भी जानकारी है, जितने भी न्यूज़ है डिपार्टमेंट से, आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको बताते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ जवाब आए हैं और ये जवाब तब आए हैं जब AIGDSU एक हड़ताल करने वाली थी दिल्ली में। तो डिपार्टमेंट ने कहा, AIGDSU जो बड़ी यूनियन है GDSU, कहा कि आप हड़ताल मत करें क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें आपके लिए देने जा रहे हैं या फिर आपको पूरी तरीके से दी है GDS रिपोर्ट की। तो अब आपको एक एक करके हम समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने दी है और कौन कौन से देने वाले हैं। आपको बता दें, सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम जो है कमलेश चंद्र रिपोर्ट में जो टाइम बाउंड प्रोग्रेशन था, यानी आपको बता दें फाइनेंशियल अपग्रेडेशन था, इस पर जो है इस जो डिपार्टमेंट ने कमेटी का गठन किया है और इस पर जाँच होगी और पूरी तरीके से इसको भी किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर बताया है कि इन्हेंसमेंट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस, जो ग्रुप इंश्योरेंस 5 लाख तक बढ़ाने की बात है, उसके लिए जो है एक कमेटी का गठन किया है और इस पर पूरी जांच की जा रही है जो कि CGM कर रहे हैं। ठीक है, अब बता दें 180 दिन की जो अक्यूमुलेशन लीव है उस पर भी डिपार्टमेंट ने एक गठन किया है कमेटी जो पूरी जांच कर रही है। और अब बात करें कि कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस की, जो कि सिंगल हैंडेड BPM को देनी चाहिए, तो इस चीज़ को लेकर भी इन्होंने एग्जामिनेशन यानी जाँच शुरू कर दी है। मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो इस पर तो आपको पता ही होगा कि जाँच पहले से जारी है और यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ बातें की जा रही है। ट्रांसफर रूल आ चुका है, रिवाइज कर चुका है, और जो जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट है और जितने भी रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, इसके लिए भी जारी कर दी गई है। तो ये जवाब दिया है डिपार्टमेंट ने और इसका है कि स्ट्राइक को वापस लेने के लिए। ये बड़ी अपडेट है और आप सभी तक शेयर कीजिए और इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।